बच्चों कैसे हैं आप लोग। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सूत्र होता है NaHCO3। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा जिसका सूत्र होता है NaHCO3। अब इसके क्या बनाने की विधि क्या है? तो ब्राइन में अमोनिया व CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ब्राइन हम लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड का जल में बना हुआ संतृप्त विलयन होता है। इसके पहले लेक्चर में भी पढ़े थे। तो क्या है ब्राइन? ब्राइन क्या काहे में बनता है? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हो गया, तो क्या ब्राइन हो गया। ब्राइन में क्या करना है? अमोनिया व CO2 प्रवाहित करने पर इसका नाम है अमोनिया। ये क्या हो गया? ब्राइन हो गया। ब्राइन में क्या मिला है? अमोनिया मिला है और CO2 बने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ब्राइन में अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर क्या बनता है? सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो क्या है बना? सोडियम NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट अब बचा गया हमारे पास। देखो Na हो गया, यूज हो गया, एक हाइड्रोजन यूज हुआ और क्या है CO2 और एक मान लिया ऑक्सीजन ले CO3। अब बचे दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन ये। अब क्या बचा? Cl बचा। तो बचा हमारा अमोनियम क्लोराइड, यानी फोर Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्या है? क्लोराइड है। नंबर एक, यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। तो क्या है? यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। नंबर दो, यह जल में अविलेय है, यानी जल में बहुत कम विलेय है। तो नंबर दो आता है, यह जल में बहुत कम विलेय है, बहुत कम विलेय है। अगर इसको दूध में डाल दिया जाए, हम इसको दूध में डाल दें तो दूध जल्दी नहीं फटता है। तो क्या है? यदि इसे दूध में मिला दिया जाए, इसे दूध में मिला दिया जाए तो दूध देरी से फटता, तो दूध देरी से फटता है, यानी ये दूध को क्या करता है? संरक्षण करता है। तो पहला भौतिक गुण क्या है? यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा, यह जल में कम विलेय है। तीसरा, इसे दूध में अगर मिला देते हैं तो दूध जल्दी फटने से रुक जाता है, यानी दूध नहीं फटता है। अब आते हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण क्या है? नंबर एक, ऊष्मा का प्रभाव। काहे का प्रभाव? ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा का प्रभाव क्या है? इसे 100 डिग्री C पर गर्म करने पर, इसे 100 डिग्री C पर गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो ऊष्मा का प्रभाव क्या है? इसे 100 डिग्री C पर गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो इस रिएक्शन लिखते हैं NaSCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कर दें? कितना टेम्परेचर दें? 100 डिग्री C। 100 डिग्री, इसे 100 डिग्री C पर गर्म करने पर क्या लिखना है? इसे 100 डिग्री C पर गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? दो हम इसलिए लिए क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaTuCO3।
इसलिए क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल लिए। तो क्या है ये N2CO3, अब क्या बचा दो हाइड्रोजन है, अब क्या है CO3 है, तो क्या हो गया ये जो 2O प्लस CO2, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये तो क्या है किसके गुण पढ़ रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के। नंबर दूसरा आता है अम्लों से क्रिया, कैसे अम्ल से क्रिया, अम्लों से तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो अम्लों से क्रिया करके क्या बनाता है लवण बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। यदि सोडियम बाइकार्बोनेट की हम कैसे से क्रिया करा दें अम्ल से क्रिया करा दें तो क्या है लवण बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। देखते हैं तो इसमें क्या लिखना है अम्लों से क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। अब रिएक्शन लिखते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट लिए, अब हम क्या लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, इसका नाम क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अम्ल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराए तो क्या निकलता है NaCl, ये हो गया लवण सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया सोडियम क्लोराइड। अब क्या निकालता है CO2 निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। अब बचा इसमें क्या दो H बचे, ये O बचा H2O। अगर क्या ले ले हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले ले जिसको तेजाब कहते हैं NaHCO3 क्या है अम्ल इसमें कौन मिला दें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दें तो क्या है लवण बनाता है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 Na2SO4 तो Na2 यहां Na1 है तो इसलिए हम क्या ले लिए दो, तो Na2SO4 हमारा हो गया। क्या बनाता है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल निकलता ही होगा तो क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है जल बनाता है। अब हम हाइड्रोजन देखते हैं कितने हैं दो दो चार, तो क्या चार हमारे पास हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कितने है? सी कितने हैं दो करना दो है तो 2CO2 तो हमारे हो गए दो दो चार ऑक्सीजन और चार दो छह, यहां कितने हैं दो चार यहां कितने हैं दो तीन छह और चार दस, इधर भी कितने हैं चार और दो छह चार दस। अब इसके आते हैं उपयोग, उपयोग तो उपयोग इसका क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या होता है अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, अग्निशामक आग बुझाने वाले यंत्र। तो पहला क्या है अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में तो आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका हम प्रयोग करते हैं। इसको कुछ लोग क्या है पेटों की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसको पीते भी हैं, तो पेट की अम्लीयता दूर करने में, पेट की अम्लीयता दूर करने में। तीसरा आता है पेट की अम्लीयता दूर करने में, तीसरा जो पाव है या रोटी है इसमें इसको डाला जाता है खमीर के रूप में, तो क्या है पाव या रोटी हो सकती है या ब्रेड हो सकते हैं, पाव रोटी या ब्रेड, पाव हो सकता है रोटी हो सकता है ब्रेड में खमीर के रूप में या के उद्योग में, के उद्योग